नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। संपूर्ण भूगोल सार में वीडियो नंबर 22 है। इसमें हम बात करेंगे महाद्वीप से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि ये नोट्स आपको रीड आउट करने तो जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, और साथ ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए टॉपिक अपना यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये है महाद्वीप। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, हम सभी को ये चीज़ पता है, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है, बड़े से छोटे के क्रम में, जो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इनका क्षेत्रफल इनके सामने लिखा हुआ है, तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है दोस्तों 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर, वहीं अफ्रीका का 3,65,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अमेरिका का 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल है 1,68,19,000 वर्ग किलोमीटर, वहीं अंटार्कटिका का 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वहीं यूरोप की बात करें तो 99,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो 76,87,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके पास में है, इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7 महाद्वीप और इनका क्षेत्रफल भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, हमने यहाँ पर इसको देख लिया है। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप जिलेंडिया की खोज का दावा किया है, यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त होने पर यह सबसे छोटा महाद्वीप होगा। यदि जिलेंडिया को महाद्वीप का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। फिलिप्स एटलस के अनुसार महाद्वीपों की भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत इस प्रकार दे रखा है, जैसे एशिया का 29.8%, अफ्रीका का 20.3%, उत्तरी अमेरिका का 16.2%, दक्षिण अमेरिका का 11.9%, अंटार्कटिका 9.2%, यूरोप 6.8% और ऑस्ट्रेलिया हो गया 5.9%, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके क्षेत्रफल का प्रतिशत दे दिया गया है, महाद्वीपों की भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल क्षेत्र में प्रतिशत, किसके अनुसार, फिलिप्स एटलस के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त जिसमें विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया महाद्वीप में 50 देश है दोस्तों। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। बेरिल जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करते हैं, किसे, एशिया से, ठीक है। तो एशिया के बारे में, एशिया का जो भूभाग है उससे कौन कौन सी अक्षांशीय वृत्त उससे निकलते हैं, उसके चारों तरफ क्या क्या स्थिति है, ठीक है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। कौन कौन सी सीमा से वो अलग होता है, कौन सी संधि से अलग होता है, तो ये इस छोटे से इस पैराग्राफ में आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूरोप 3 ओर से सागर से घिरा है, इसमें देशों की संख्या 51 है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में अटलांटिक एवं दक्षिण में भूमध्य सागर की अवस्थिति है, किसकी, यूरोप की, ठीक है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न कई बार सबसे बड़ा नहीं पूछा जा सकता, कई बार पूछ लिया जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा विश्व में महाद्वीप कौन सा है, तो वो है अफ्रीका। यह एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे होकर विषुवत, कर्क और मकर, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, या वृत्त भी इनको बोल सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 हो जाती है। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर
और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग है। इससे पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो देखिए यहाँ पे जो महाद्वीप हम अध्ययन कर रहे हैं, इनकी जो भौगोलिक सीमा पे जो महासागर स्थित है, जो जल संधि स्थित है, जितने इसमें देश हैं, कौन कौन सी कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा में से कौन सी रेखा इनमें से निकल रही हैं, हम इनका अध्ययन यहाँ पे शॉर्ट रूप में देखते हुए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं ये, आपको जरूर रीड आउट करने चाहिए वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का नामकरण हुआ दोस्तों अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर। ठीक है, अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इस महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 23 है, 23। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया गया है कि लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा लैटिन कंट्रीज़ के बारे में या लैटिन अमेरिका शब्द के बारे में, तो आज उसे ध्यान में बैठा लीजिए कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ के संयुक्त रूप को कह देते हैं लैटिन अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। पनामा जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या 12 है, जिसमें ब्राजील सबसे बड़ा देश हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। कौन सा? अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। महाद्वीपों की मध्य ऊंचाइयां इस प्रकार यहां पर दे रखी हैं, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप 1846 मीटर ऊंचाई पर, उत्तर और मध्य अमेरिका महाद्वीप 720 मीटर, ये घटते क्रम में है, अफ्रीका महाद्वीप 585 मीटर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर और एशिया महाद्वीप 923 मीटर, यूरोप 302 और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे कम ऊंचाई पर यानी 308 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। यूरोप में भी और दक्षिण अमेरिका में भी दोनों महाद्वीपों में ही अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, वैसे तो दोनों में ही मैदानी भागों का विस्तार है, लेकिन प्रतिशतता की जब हम बात करें तो यूरोप में प्रतिशत अधिक है। महाद्वीपों में देशों की संख्या, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को टच किया गया इनमें, जो कि आपको सामान्यता देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, इन नोट्स को रीड आउट करीजिएगा वेबसाइट पर जाकर। और देखिए, अफ्रीका में 54 कंट्रीज़, यूरोप में 51, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 कंट्रीज हैं। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। मतलब प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। वर्ष 2011 के आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 2.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्ध है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। पठार और पर्वत की अवस्थिति देखें तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का है, एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका का है, गुयाना उच्च भूमि उत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है, कोका वांगणो द्रोणी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। विश्व की पर्वत श्रेणियां, पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। यद्यपि पठार भी धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग ही होते हैं, किंतु पर्वत से उनकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर भाग चौरस और सपाट होता है। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत और उससे कम ऊंचाई वाले भाग को पहाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर पर्वत और पहाड़ी में एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 मीटर से यदि अधिक ऊंचाई है तो उसे पर्वत कह देंगे और उससे कम ऊंचाई वाले भाग को
पहाड़ी कहेंगे, ठीक है। तो सामान्यतः स्थानों पर पहाड़ियाँ मिलती हैं, किंतु भारत में गोमो झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। इसके विपरीत इंग्लैंड की पोनाइन श्रृंखला को पर्वत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई पारसनाथ से कम है। अतः जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से सतह से 1000 मीटर से अधिक हो, उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो तो वह क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो तो वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्वत विश्व का 36% भाग घेरे हुए हैं, परंतु पर्वतों पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। मतलब 26% भाग घेरे हुए हैं पर्वत विश्व का, कितना 26%, लेकिन इन पर केवल 1% जनसंख्या ही निवास कर रही है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पर्वतों का सागर किसे कहते हैं, तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मोलिन न्यूकस सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिस टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया। इतना लंबा किताब का नाम है, ठीक है। मोड़दार या वलित पर्वत क्या होते हैं, ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि मोड़दार पर्वत निर्मित किससे होते हैं, संपीड़न की शक्तियों से निर्मित होते हैं। ये मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे भी हैं और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत भी हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु एकांका गुआ है, 6960 मीटर की ऊंचाई पर एकांकुआ की चोटी है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का प्रमुख वलित पर्वत है, तो रॉकी भी वलित और एंडीज भी। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत सर्वोच्च बिंदु है माउंट एल्बर्ट, जो कि 4400 मीटर है। तो देखिए, एक तो इन पर्वतों का नाम हमें ध्यान में रहना चाहिए, दूसरा इनकी जो सर्वोच्च चोटी है उनका भी, सर्वोच्च जो बिंदु है उनका भी नाम और उनकी ऊंचाई हमें थोड़ा सा ध्यान में रहनी चाहिए। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा या चोमो लुंगबा 8848 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। मतलब प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां भी हिमालय पर्वत में स्थित है, माउंट एवरेस्ट को भी मिलाकर। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा, चोमो लुंगबा जो 8848 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। दक्षिणी आल्पस पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी आवोरोकी या माउंट कुक है 3754 मीटर की, ठीक है। आल्पस मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, आल्पस। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। क्या? आल्पस पर्वत जो है वो नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। दूसरा टाइप है पर्वतों का अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इनका निर्माण तनाव से या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। ये भ्रंश या दरारें बनती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, तनाव या खिंचाव से भ्रंश या दरारें बनती हैं। कैलिफोर्निया यूएसए का सियेरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यूएसए के उटाह प्रांत का वासाज रेंज इसका उदाहरण है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वाजजेस ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। नेक्स्ट टाइप है गुम्बदाकार पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है।
गुमदाकार पर्वत की उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी क्रिया स्थल में उभार के कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाती उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स इसका उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वाडोर भी इसके उदाहरण है। किसके? गुमदाकार पर्वत के, क्योंकि ये ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं। मिश्रित वलत या जटिल पर्वत, मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तो उसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कह देते हैं। यूएसए का सियेरा नेवादा एनाकोंडा श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? ये मौलिक पर्वत नहीं है दोस्तों। अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे पेनाइन यूरोप, अप्लेशियन अमेरिका और अरावली भारत पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। व्हाइट पर्वत या व्हाइट माउंटेन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। किसका? व्हाइट पर्वत का। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। कौन सा? ब्लैक पर्वत। यह ग्रेट अप्लेशियन पर्वत तंत्र का ही एक भाग है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्ड वर्ग 1493 मीटर की है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत से निकलकर जर्मनी में नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में आकर गिरती है। दोस्तों कौन सी नदी? राइन नदी। कोलोन तथा बान शहर इसी नदी पर स्थित है, राइन नदी पर। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वॉसजेस पर्वत स्थित है। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है, बर्मीज अराकान योमा। इसकी प्रमुख पहाड़ियां नगा चिन लुशाई पटकोई, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया जिसकी ऊंचाई है 3094 मीटर। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? मेघालय में। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित एक पर्वत है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है दोस्तों। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोर्नो है जिसकी ऊंचाई लगभग 2914 मीटर है। दिनारिक ऑल्पस का विस्तार अल्बानिया वोस्निया हर्जेगोनिया क्रोएशिया आदि देशों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। तो प्रश्न यहाँ पर बनते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए कि जूरा पर्वत का विस्तार कहाँ पर है। तो जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है दोस्तों। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीपीय को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कोसिस्को पर्वत शिखर है जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा 2228 मीटर का पर्वत है। मैकिनले ऊंचाई 6190 मीटर, उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित कर डेनाली कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डेनाली। अल्ब्रूस ऊंचाई 6190 मीटर, रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है अल्ब्रूस। किलीमंजारो की बात करें तो ऊंचाई है 5895 मीटर, तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अलगेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। केटाब्रियन पर्वत स्पेन में स्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स जब्त कर लिया। आल्पस एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शरी अल्पाइन टर्शरी या
अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं। पहली बात तो आल्पस, एंडीज और हिमालय वलित पर्वत है। इसके अतिरिक्त रॉकी एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। अप्लेशियन एक प्राचीन पर्वत है दोस्तों, जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, तीन शान, नानशान, गोबी आदि पर्वत हर्सियन पर्वत के उदाहरण हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? 7200 किलोमीटर। यहाँ पे कुछ पर्वत दे दिए गए हैं, स्थिति दे दी गई है, उनका सर्वोच्च बिंदु, ऊंचाई, लंबाई यहाँ पर दे दी गई है। एक एक करके हम इन्हें देखते हुए चलेंगे आराम से, ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में तो हम वो कर सकें। तो देखिए, पर्वत है एंडीज, स्थिति इसकी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है, सर्वोच्च बिंदु एंडीज का हो गया एकांकागुआ, 6960 मीटर की ऊंचाई हो गई, 7200 मीटर की इसकी लंबाई हो गई। फिर है रॉकी पर्वत, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों, माउंट एल्बर्ट इसका सबसे ऊंचा बिंदु है, 4400 मीटर की ऊंचाई हो गई, 4800 मीटर की इसकी लंबाई हो गई। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कोसिस्को इसका सबसे ऊंचा या सर्वोच्च बिंदु है, 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है और 3700 मीटर इसकी लंबाई है। हिमालय की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है, 8848, 2400 मीटर इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। अब देखिए पर्वत श्रेणियां और उनके प्रकार। तो आल्पस जो है ये वलित पर्वत है दोस्तों, वासजेस जो है भ्रंशोस्त पर्वत है, विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखीय पर्वत है। नेक्स्ट चलते हैं, अब टॉपिक है अपना पठार। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण है। भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण है क्या? पठार। पठार ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद अपना स्थान रखते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण दे दिया। एक तो होता है हिमानी पठार, ग्लेशियल प्लेट्यू, विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार का निर्माण करते हैं। जर्मनी में प्रशिया का पठार हिमानी निक्षेप के द्वारा ही बना हुआ है दोस्तों। भारत के कश्मीर प्रांत में मार्ग की रचना हिमानी हिमोड़ द्वारा ही हुई है। दूसरा हो गया जलकृत पठार, फ्लूवियल प्लेट्यू, जलीय पठार का निर्माण नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण उत्संवलन ऊपर उठना दोनों क्रियाओं द्वारा होता है। भारत में विंध्य पठार, चेरापूंजी पठार तथा म्यांमार के शान पठार इसी तरह निर्मित पठार के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है पवनकृत पठार। पाकिस्तान का पोटवार पठार तथा चीन का लोयस का पठार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अंतर पर्वतीय पठार, इंटर मोनेटन प्लीट्यू, भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। तिब्बत पठार अथवा चेगतांग को किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई हो गई 4500 मीटर से अधिक। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह अंतरा पर्वतीय पठार का अच्छा उदाहरण है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संसार की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड सर्वप्रथम पामीर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था, परंतु अब यह पद तिब्बत, माउंट एवरेस्ट एवं हिमालय के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। दक्षिणी अमेरिका का बोलिविया तथा पेरू पठार, कोलंबिया पठार तथा मैक्सिको का पठार इसी पठार के उदाहरण है। नेक्स्ट है गिरिपाद पठार, पेडिमंट प्लीट्यू, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को कहते हैं दोस्तों गिरिपाद पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेडिमांट पठार तथा दक्षिणी अमेरिका के पेटागोनियो के पठार गिरिपद पठार के सर्वोत्तम उदाहरण हैं।
दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार पेटागोनियो के पठार को कहा जाता है। गुंबदाकार पठार क्या होते हैं? वलन क्रिया द्वारा जब स्थलखंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है कि बीच का भाग ऊंचा होता है तो उसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजोर्क पठार इसी तरह का पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार महाद्वीपीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार के अन्य उदाहरण अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिणी अफ्रीकी पठार आदि हैं। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के पठारों को नवीन महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हो सकते हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। इस पठार की ऊंचाई 610 से 760 मीटर के मध्य है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है तटीय पठार। सागरीय तटों के पास स्थित पठारों को तटीय पठार कहा जाता है। दोस्तों भारत का कोरोमंडल तट एक प्रकार का तटीय पठार का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है ज्वालामुखीय पठार। ज्वालामुखी पठार के दरारी उद्गार के कारण निर्मित पठार का उदाहरण न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी तथा दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील, पश्चिमी यूएसए, फ्रांस तथा साइबेरिया में मिलते हैं। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार लावा निर्मित पठार का भी उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार लावा पठार का भी उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये कुछ पठारों के जैसे कोकोनिनो 5812 वर्ग मील, एक्वेरियस 900 वर्ग मील, कोलोराडो 1,30,000 वर्ग मील, कोलंबिया 1,00,000 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों घाटियाँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि ये नोट्स आपको पढ़ने हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, जिसके ऊपर हम समय समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ ही आपके लिए स्टडी मटेरियल वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं घाटियाँ। धरातल पर मैदानों, पर्वतों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घाटियां लंबी, सक्रिय तथा गहरी होती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी का ही उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। मृत्यु की घाटी की तली पर नमक का बड़ा ढेर है। दोस्तों होलोसीन युग में यहाँ 30 फीट गहरा जल था, लेकिन कालांतर में झील सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेष के रूप में रह गया। मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे निम्नतम -86 मीटर तथा पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागुआ डेल कॉर्बन -150 मीटर के बाद दूसरा निम्नतम स्थल है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। इसे हाल ही में विश्व का सबसे गर्म स्थल वायु के तापमान की दृष्टि से भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। दोस्तों यह घाटी पंजशीर नदी से निर्मित नदी से घिरी हुई है। सोवियत युद्ध के समय यह घाटी मुख्य युद्ध स्थल थी। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने वर्ष 1903 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु घाटी की संज्ञा दी थी। किसने? रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने। कुछ विश्व की प्रमुख घाटियां और उनकी अवस्थिति जैसे लॉयर घाटी फ्रांस में, बादा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी नेपाल में स्थित है। ठीक है, वैसे ही रैबिट घाटी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्लैकवुड ऑस्ट्रेलिया में, हम्बर घाटी कनाडा में, प्लीजेंट यूएसए में और पो घाटी इटली में, सेक्रेड घाटी पेरू, चुंबी घाटी है भारत भूटान और तिब्बत सीमा पर,
काठमांडू घाटी है नेपाल में, स्वात घाटी है दोस्तों पाकिस्तान में, किंग घाटी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, वोल्गन घाटी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ग्रैंड घाटी अमेरिका यूएसए में, एब्रो घाटी है दोस्तों स्पेन में, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें सिलिकॉन वैली, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। इसे वृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ग्रेट ऑर्डिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की वृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। इस बेसिन का कुल क्षेत्रफल 17,11,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1/5 भाग पर फैली इस बेसिन का निर्माण लगभग 100 से 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। वृहद बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल का विभाजक है दोस्तों, जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और सियेरा नेवादा के बीच स्थित है। कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजेव तथा सोनरन मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। राजाओं की घाटी या वादी एल मुल्क मिस्र में स्थित है। इसकी अवस्थिति 25° 44' उत्तरी अक्षांश से 32° 36' पूर्वी देशांतर पर नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है राजाओं की घाटी। कास्ट प्रदेश में जब नदी 1 विलियन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत 1 विलियन क्षेत्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल या शुष्क प्रदेश, मरुस्थल यानी डेजर्ट, पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्धशुष्क भाग है दोस्तों। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आ जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल यानी ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स प्राय महाद्वीपों की पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15° से 30° उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेरहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन का प्रभावकारी स्रोत हो सकता है। सारा मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है दोस्तों। उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क और विस्तार इसका विस्तार जो है अल्जीरिया, चौड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनिशिया में है। अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीपीय अथवा बड़े स्थलों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थिति तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव है। यह उष्ण मरुस्थल दक्षिण धाराओं के प्रभाव के क्षेत्र में नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल उत्तरी चिली में विस्तारित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के सीमा पर लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दश्त ए लुट ईरान के कैमरान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। नासा द्वारा किए गए परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि यह विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। उल्लेखनीय है कि नासा के एक्वा उपग्रह द्वारा 2005 में यहां का तापमान 70.7 डिग्री नापा गया था, जो कि विश्व में किसी भी स्थान पर सबसे अधिक था। थार मरुस्थल यानी थार डेजर्ट, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, यह दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार डेजर्ट, ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। संसार का यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, जहाँ यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है।
तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर तथा तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित कराकुम रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के पूर्व में अमूदरिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। हम देख रहे हैं रेगिस्तान के बारे में। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के बीच में है। ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। नाफूद हमद एवं रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। काइजल कुम नरुस्थल उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तथा कजाकिस्तान में तथा दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। इनमें गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना एवं चीनी में स्थित है, चिली में स्थित है। लद्दाख मरुस्थल भारत में स्थित है दोस्तों। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 4,24,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो दोस्तों अब तक हमने पर्वत देख लिया, पहाड़ियाँ देख ली, घाटियाँ देख ली, ठीक है, मरुस्थल देख लिए। अब हम देख लेते हैं घास के मैदान। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आ जाता है। इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में विस्तीर्ण है। सवाना घास मैदान या सवाना ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान, इनमें बीच बीच में झाड़ियाँ और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं दोस्तों। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन्हें अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोज, ब्राज़ील में ब्राज़ील परेगवा, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में कंपास, दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड तथा अमेजन बेसिन में सेलवास के नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदानों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दूसरा भाग है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इस मैदान का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स। प्रेरीज घास के मैदान मुख्यतः अमेरिका के विशाल मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे एवं ब्राज़ील में भी है। यूरेशिया पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्टेपीज है। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं दोस्तों। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सबसे पहले तो घास के मैदानों के नाम ध्यान में रखने चाहिए, फिर वो किस कटिबंध से संबंधित है ये भी ध्यान में रखना चाहिए, तीसरा वो किस देश में या किस स्थान पर पाए जाते हैं ये भी जरूरी है। घास के मैदान और देश जैसे लानोज जो है दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपी यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे में, कंपास ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में और सवाना होता है पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या और तंजानिया आदि में पाए जाते हैं। यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है दोस्तों
स्टेपीज, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में हमने देखा है दोस्तों, घास के मैदान, पर्वत, घाटियाँ, पठार पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हमने, और हाँ मरुस्थल, इन पे जितने भी टॉपिक थे, पॉइंट थे, हमने इसमें कवर कर लिए हैं इन नोट्स के माध्यम से। यदि ये नोट्स आपको रीड आउट करने हैं तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, और साथ ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, जिसपे समय समय पर वीडियो इन्फॉर्मेशन साथ ही स्टडी मटीरियल पोस्ट करते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।